श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भागों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कुट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। भोग बुद्धि से संग्रहण करने वाला, इच्छा रहित और अंतकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए, शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमश कुश मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। जिसका अंतकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है ऐसा कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त
उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतकरण वाला साख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है वह परम योगी माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल प्रमथनशील दृढ़ जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना में आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है ऐसा मेरा मत है। हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता।
हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। हे गुरुनंदन, वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधक के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। यहाँ पर छठवां अध्याय समाप्त होता है।